और लाइफ सपोर्ट मशीन वाला ख्वाजा आसिफ जो कहता है हमें तो अमेरिका के जूते पॉलिश करने चाहिए क्योंकि हम लाइफ सपोर्ट मशीन पे हैं। दोस्तियों की वजह से वो जो मर्जी कह दे उसके ऊपर कुछ नहीं करना, फिक्र ना करो, हम केस करने लगे हैं इनके ऊपर। हम अगर गिल के ऊपर केस हो सकता है तो ये सारे फजलू के ऊपर, नवाज शरीफ के ऊपर, राणा सराउला, इन सब के ऊपर हम केस करने लगे हैं क्योंकि मैं पाकिस्तानी हूं। सुन लो मेरी बात, कौम आजाद होती है इंसाफ से, रूल ऑफ लॉ से। जब कानून की हुक्मरानी होती है तब एक कौम को हुकूक मिलते हैं और वो आजाद होते हैं। कभी कोई कौम इस तरह के जो इन्होंने खौफजदा करके लोगों को गुलाम बनाने की कोशिश की, कभी कौम कोई बड़े पाकाम नहीं करती। तो उस कौम की होती है जो आजाद होती है, जिसके लोग आजाद होते हैं और इंसाफ आजाद करता है। और हमारी जंग आइन की बालादस्ती, रूल ऑफ लॉ, ये है हमारी जंग। जो गिल से इन्होंने किया, इन्होंने कानून की बालादस्ती की धज्जियां उड़ा दी। मैंने आज अपने वकीलों को मिला हूं, हम इंशाल्लाह आईजी डीआईजी पे केस, इस खातून के ऊपर केस, जो मैजिस्ट्रेट जिसने रिमांड दे दी उसको पता था कि जुल्म हुआ उसके ऊपर, पता था, फिर उसके बावजूद उसने उसको बेल नहीं दी। और उसके अलावा हम सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं और मैं बड़े अदब से अपने सुप्रीम कोर्ट को कहता हूं कि सारी कौम आपकी तरफ देख रही है, आपकी जिम्मेदारी है रूल ऑफ लॉ को अपहोल्ड करना, आईन और कानून की हुक्मरानी आपका काम है इंप्लीमेंट करना। ये जो हुआ है ये सिर्फ और सिर्फ ताकतवर ने दिखाया कि वो कानून से ऊपर है। और मैंने जब इस्लामाबाद पुलिस से पूछा, मैंने कहा बताओ ये तुमने क्या किया, आगे से जवाब देता जी हमने कुछ नहीं किया, हमें पीछे से फूट लगा था। इसके अलावा हमने जब सीसीपीओ लाहौर और डीआईजी पंजाब इनके ऊपर 25 मई को जो इन्होंने जुल्म किया था, फैमिलीज के घरों में 3-3 बजे चले गए, औरतें बच्चे उनको खौफजदा किया, तो जब हमने इनके ऊपर एक्शन लेना था, केसेस करने थे, तो हमारे वहां लोग डर गए, कहते जी वो उधर से टेलीफोन आ गया कि इनको ना हाथ लगाओ। मैं आज अपने न्यूट्रल से सवाल पूछना चाहता हूं,